दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये कोई बम बनाने की नहीं है, ना ही मानवता को भी नुकसान पहुंचाने की है, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी सिमेंस की MRI करने के लिए है, जान बचाने के लिए है, और वो भी केवल 50 रुपए में। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये मशीन जो कि हमने जर्मन से इंपोर्ट की है 10 करोड़ रुपए की, जिसमें MRI भी है, CT स्कैन है, एक्सरे, बहुत सारा डायग्नोस्टिक सेंटर का सारा। ये एक वो डायग्नोस्टिक सेंटर है जो देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता है। जरूरतमंद लोगों को जहां 8-8, 10-10 हजार रुपया खर्च करना पड़ता था, केवल 50 रुपए में MRI में वो अपना डायग्नोस करवा सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, शरारती लोग, ऐसी जहर फैलाने वाले लोग हमें बदनाम करने के लिए बहुत बुरा भला बोलते हैं। दुख होता है कि मानवता की सच्ची सेवा करने वाले लोगों के प्रति जब कोई बोलता है, और मैंने आपसे पहले भी वादा किया था, जिस दिन हमने दुनिया का, देश का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर खोला, तब वही मीडिया के लोग जो हमें गालियां निकाल रहे थे एक हफ्ता पहले, वही वहां पे आकर वीडियो बना रहे थे और अपने टीवी चैनलों पे कह रहे थे सिखों से बड़ा देवता कोई नहीं। फिर भाइयों, ये जहर फैलाना बंद किया जाए। जात धर्म के नाम पर ये बांटने का जो काम करते हैं, ये देश के राजनेता है जिन्हें राज करना है। हम लोग जो जनता है, हमें ये जरूर समझना चाहिए, हमें इंसानियत को जिंदा रखना है, और अगर इंसानियत जिंदा रहेगी तो ही इंसान जिंदा रहेंगे। और खाली हमारे ही नहीं, मैं आगे दिखाता हूं आपको, इसी तरह सिमेंस की वर्ल्ड क्लास CT स्कैन, इसी तरह एक्सरे, इसी तरह अल्ट्रासाउंड, और बाकी जितने भी डायग्नोस हैं, सभी इस गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित इस बंगला साहिब MRI में किए जाएंगे। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूं, लोगों से वीडियो जरूर शेयर करना, और लोगों को पूछना कि जिनको तुम बड़ा बुरा कहते हो, ये वो लोग हैं जो सेवा में इसी तरह डटे रहते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा CT, ये भी सिमेंस का, ये फुली लेटेस्ट अपग्रेडेड मॉडल जो कि जर्मन से इंपोर्ट किया है, यह भी इसी तरह 50 रुपए के अंदर। यह हमारी मानवता के प्रति सेवा है। जो लोग इन भावनाओं की कदर करते हैं वो जानते हैं कि सिख क्या है। बहुत बुरा भला हमें 26 तारीख को बोला गया, हमें बहुत अफसोस था और दुख था, लेकिन वही टीवी चैनल फिर 26 तारीख के बाद, जब 7 तारीख को डायलिसिस सेंटर खुलता है, तूनी चैनलों के ऊपर तरीफों के पुल बांधे जाते हैं और कहा जाता है सिख देवते हैं। सिख पहले भी देवते थे, सिख आगे भी देवते हैं। हम मानवता की सेवा में यकीन रखते हैं, ना कि धर्म के नाम पर बांटने में। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जहां इन सेवाओं में आए, आप भी अपना योगदान डालें, आए, जिसको जरूरत है यहां पर 50 रुपए में आके अपनी CT कराए, MRI कराए। लेकिन बुरा भला बोलने वाले लोगों को भी आप जरूर जवाब दें और उनको पूछें कि क्यों ऐसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है इन सेवाओं का आप खूब लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद।